नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं, आपको आप जाइए पूरे बनारस में, और या जो भी आपके चैनल के माध्यम से लोग बनारस के अंदर होंगे वो देखेंगे, ये कम से कम 10,000 गरीब परिवार जो रोज रोटी खाता है, जो रोज कमाता है, अपने परिवार को चलाता है, उसके घरों को बुलडोजर, उसके व्यापार के बुलडोजर को, छोटे छोटे दुकान थे जिस पर वो कभी पकौड़ा बेचता था, नरेंद्र मोदी जी के कहने पर ही पकौड़ा बेचता था, मोमोज बेचता था, 200-400 रुपया कमा करके अपने परिवार को जिलाता था, बुलडोजर लगा करके बेरहमी से उनके दुकानों को तोड़ दिया गया है। 10,000 ऐसे दुकान है जो बनारस के अंदर, जो गरीब गुरबों का रोटी पर जो है नरेंद्र मोदी जी ने डाका मार दिया, उनको जो है तोड़वा दिया। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे और आपों के आपके लाशों पर राजनीति कर करके सत्ता के अंदर जाना चाहते हैं। पूरे 5-6 साल के कार्यकाल में आप देखिए पंकज जी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी किए क्या? कुछ नहीं किए। पूरे देश में खाली चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं। इनका खाली एक एजेंडा है कि हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीते और हम लोग सत्ता में बैठ करके काम करें। तो ये लूटने वाली सरकार है, ये सरकार हत्यारी सरकार है, यह सरकार जो है रोटी देने वाली सरकार नहीं है। ये सरकार और नरेंद्र मोदी जी पूरी तरीके से एकदम जल्लाद टाइप के लोग हैं, ये जल्लादी सरकार है,